अल्मोड़ा से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। अल्मोड़ा से आपको बता रहे हैं, अल्मोड़ा के भतरोज खान में हुए बस दुर्घटना का मामला। मंत्री यशपाल आर्य ने जाना घायलों का हाल, वहीं घायलों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। यशपाल आर्य ने कहा है सरकार कराएगी घायलों का उचित उपचार, करवाया जाएगा, घायलों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। यशपाल आर्य ने कहा है अगर जरूरत पड़ती है तो घायलों को दिल्ली भी रेफर किया जाएगा। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में घायल लोगों का हाल जानने मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना है, वहीं उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। यशपाल आर्य ने सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है, वहीं घायलों को जरूरत के अनुसार दिल्ली रेफर करने का भी आश्वासन दिया है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री यशपाल आर्य ने घायलों का हाल जाना है, वहीं घायलों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। वहीं यशपाल आर्य का कहना है जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता अंकित शाह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित, क्या कुछ कहा है मंत्री यशपाल आर्य ने? देखिए, अब बात करें हम जिस तरह से जो दुर्घटना कल घटित हुई है भतरोज खान में, उसे घायलों से मिलने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य खुद हल्द्वानी आए। हल्द्वानी में सुरक्षा तिवारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल कृष्णा में यहाँ पर मरीजों से उन्होंने मुलाकात करी, और मुलाकात करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से इसमें इस मामले में लापरवाही परिवहन विभाग की ओर से हुई है, जो बस ड्राइवर है उसके ओर से हुई है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी जी अंकित, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो अल्मोड़ा के भतरोज खान में हुई बस दुर्घटना के बाद मंत्री यशपाल आर्य घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे, वहीं घायलों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है सरकार कराएगी घायलों का बेहतर इलाज, जरूरत पड़ने पर घायलों को दिल्ली भी रेफर किया जाएगा।